श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राया तलाव वाराणसी, कक्षा 10, विषय जीव विज्ञान, पाठ 1 जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस, भाग 3। भाग 2 तक आप लोग पढ़ चुके हैं और भाग 2 में आप लोग पढ़े हैं कि जो है पोषण क्या है, पोषण के कितने चरण होते हैं, और जो है पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र की का जो आपका चित्र है उसको समझाया गया है। इसके आगे है जय प्रक्रम में ही श्वसन, श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। श्वसन की अंग्रेजी होती है रिस्पायरेशन, श्वसन RESPIRATION श्वसन, रिस्पायरेशन में श्वसन। अब आप लोग सामान्य भाषा में जानते हैं कि हम लोग सभी जीव, चाहे वह जली जीव हो, चाहे स्थली जीव हो, चाहे वायुमंडली जीव हो, सभी जीव जंतुएं जो है श्वसन क्रिया करते हैं, यानी सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि सांस लेते हैं। तो सांस अब जो है उसको जो है वैज्ञानिक भाषा में श्वसन क्या है, श्वसन की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्वसन वह प्रक्रम जिसमें पचित भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसे श्वसन कहलाते, तो होती है तो श्वसन कहलाती है या श्वसन कहते हैं। ये दो चरणों में, श्वसन क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है आपका गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय का मतलब आदान प्रदान। श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस जो है श्वास नली के माध्यम से फेफड़ा तक पहुंचाते हैं और फेफड़ा से होते हुए कोशिका के प्रत्येक माइटोकांड्रिया तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा होती है। यानी गैसों का आदान प्रदान का मतलब ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसी को जो है गैसों का विनिमय कहते हैं। दूसरा है कोशिकाओं में भोजन के अणुओं का विखंडन कर ऊर्जा मुक्त करना, माने गैसों का विनिमय करते हैं, जिसके फलस्वरूप यह गैस जो ऑक्सीजन गैस कोशिका के प्रत्येक माइटोकांड्रिया तक पहुंचती है और उसमें जो ग्लूकोज के अणु है या कार्बोहाइड्रेट के अणु है उसका विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। आगे है, आगे देखेंगे सांस लेना। सांस लेना क्या है, ब्रीदिंग अंग्रेजी क्या है, ब्रीदिंग BREATHING ब्रीदिंग में सांस लेना। अब सांस लेना का दूसरा नाम है श्वासोच्छ्वास भी कह सकते हैं, श्वासोच्छ्वास या सांस लेना। सांस लेना की क्या परिभाषा होती है, इसे कहते क्या है, इसके बारे में देखिए आप लोग। वायुमंडल से O2 ग्रहण करना तथा CO2 बाहर निकालना सांस लेना कहलाता है। सांस लेना एक भौतिक क्रिया है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सांस लेना, अब हम किसे सामान्य रूप से परिभाषा देखिए, वायुमंडल में आपका ऑक्सीजन उपस्थित है, उसको जो है श्वास नली से होते हुए ग्रहण कीजिए और जो है ये भोजन का जब पाचन हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना ही सांस लेना कहलाता है। सांस लेना एक भौतिक क्रिया है और सांस लेने में कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए इसे भौतिक क्रिया माना जाता है। आगे है श्वसन, रिस्पायरेशन। श्वसन क्या है कि क्या परिभाषा होती है वैज्ञानिक तरीके से, जब जीव वायुमंडल से O2 ग्रहण करके माइटोकांड्रिया तक पहुंचाते हैं और माइटोकांड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, यह ऊर्जा
एटीपी नामक अणु के रूप में संचित होती है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं, यानी श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। यह कोशिका में उपस्थित माइटोकांड्रिया में ही संपन्न होती है। श्वसन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन TYPES FOF रिस्पायरेशन RESPIRATION। श्वसन के प्रकार, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला है वायवी श्वसन, अंग्रेजी है इसका एरोबिक रिस्पायरेशन AEROBIC रिस्पायरेशन RESPIRATION वायवी श्वसन। दूसरा है अवायवी श्वसन, इसका अंग्रेजी है एन एरोबिक रिस्पायरेशन ANAEROBIC रिस्पायरेशन RESPIRATION अवायवी श्वसन। अब श्वसन दो प्रकार के हुए, वायवी श्वसन पहला, दूसरा अवायवी श्वसन। अब पहले के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वायवी श्वसन किसे कहते हैं या क्या होता है, इसका परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है, इसे समझेंगे क्या होता है। जो श्वसन ऑक्सीजन O2 गैस के रूप में, ऑक्सीजन का जो वायु सूत्र होता है O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवी श्वसन कहते हैं। यह श्वसन माइटोकांड्रिया में होती है तथा ग्लूकोज विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। मैंने कहने का मतलब, नाम है इसका वायवी श्वसन एरोबिक रिस्पायरेशन। वायवी श्वसन का मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो उसे वायवी श्वसन कहते हैं। यह श्वसन कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया उपस्थित होती है, माइटोकांड्रिया में ही संपन्न होती है तथा ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल और अपार मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया आपको दिखाया गया है, देखिए ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है, अणु सूत्र, जिसका जो सूत्र होता है C6H12O6 +6O2। ये जो है ऑक्सीजन का सूत्र है, दोनों जो है आपस में मिलते हैं तो यहाँ ऑक्सीकरण होता है। यहाँ क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिसका अंग्रेजी होती है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बना जिसका सूत्र है CO2 और जल बना जिसका सूत्र H2O है और प्लस ऊर्जा यहाँ बाहर निकल रही है। यह ऊर्जा जो है ATP के रूप में निकलती है, यानी कहने का मतलब ग्लूकोज के एक अणु से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो है यह 38 ATP की जगह जो है हम जो है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी कह सकते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का सूत्र है C6H12O6 ऑक्सीजन 6O2। ये आपका जो 6 लगाया गया है ये जो है संतुलित समीकरण लिखने के लिए लगाया गया है, कितने जो है कार्बन यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों प्रकार से परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब भी लिखा जाता है संतुलित समीकरण ही लिखा जाता है। दूसरा है अवायवी श्वसन एन एरोबिक रिस्पायरेशन, अंग्रेजी है ANAEROBIC रिस्पायरेशन RESPIRATION अवायवी श्वसन क्या होता है, नाम है अवायवी श्वसन। ऊपर आप लोग वायवी श्वसन पढ़े हैं,
तो उसी में उसी के अनुसार हम परिभाषा नाम के अनुसार ही परिभाषा का निर्माण कर सकते हैं कि जो श्वसन, देखिए यहाँ जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवी श्वसन कहते हैं। यह श्वसन कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य की अंग्रेजी क्या होती है, साइटो, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज विखंडित होकर लैक्टिक अम्ल या एथेनॉल बनाता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अवायवी श्वसन एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और तो और श्वसन क्रिया संपन्न हो तो उसे अवायवी श्वसन कहते हैं। यह जो है माइटोकांड्रिया में नहीं संपन्न होती है, यह जो है कोशिका द्रव्य, कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज जब टूटता है, विखंडित, विखंडित का मतलब टूटना, ग्लूकोज का एक अणु जब टूटता है तो या तो लैक्टिक अम्ल बनेगा या जो है एथेनॉल बनता है। तो ग्लूकोज का जो है एक अणु का सूत्र देखिए क्या होता है, या किसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, C6H12O6। ये जो है इसका जो है अवायवी श्वसन एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ऊपर आप लिख सकते हैं अवायवी श्वसन जब होता है तो बनता है एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। एथेनॉल के दो अणु का निर्माण होता है, या दो का मतलब दो जो है सबका दो अणु, अगर नहीं होता तो एक अणु माना जाता है, तीन यहाँ होता तो तीन अणु होता। तो एथेनॉल के एक अणु का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सूत्र CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु का निर्माण होता है, प्लस इसी के साथ जो है ऊर्जा का निर्माण होती है। यह ऊर्जा जो है ATP के रूप में उत्पन्न होती है, यहाँ जो है दो ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी वायवी श्वसन में जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और अवायवी श्वसन में बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवी श्वसन जो है मांसपेशियों में भी संपन्न होती है। आगे है वायवी और अवायवी श्वसन में अंतर, आप लोग वायवी श्वसन और अवायवी श्वसन दोनों के बारे, दोनों की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रिया सहित देखे हैं। इसमें जो है एरोबिक और एनएरोबिक श्वसन में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो वायवी श्वसन और अवायवी श्वसन में डिफरेंस क्या है, हम अक्सर ये बोर्ड के एग्जाम में आता है कि वायवी श्वसन और अवायवी श्वसन में अंतर क्या होता है, दो नंबर का होता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसको जो है परीक्षा में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। पहला है वायवी श्वसन, पहले आप लोग दो खाना बनाएंगे, एक तरफ वायवी श्वसन दूसरे तरफ अवायवी श्वसन लिखेंगे। पहला नंबर एक जो है यह ऑक्सीजन, यह का मतलब वायवी श्वसन, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। वायवी श्वसन जो होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और अवायवी श्वसन, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कहने का तात्पर्य यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। दूसरा जो अंतर है, दूसरा जो है यह क्रिया माइटोकांड्रिया में होती है। यह क्रिया का मतलब जो वायवी श्वसन है कोशिका के माइटोकांड्रिया में होती है और यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। माने कहने का तात्पर्य अवायवी श्वसन कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तीसरा आपका है, तीसरा जो अंतर है इसमें इसमें CO2 और H2O बनता है। CO2 का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 और जल का अणु सूत्र H2O। कहने का तात्पर्य वायवी श्वसन में क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और इसमें जो अवायवी श्वसन है इसमें इसमें एथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है।
आगे है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में आप लोग देख चुके हैं कि जो आईवी श्वसन है, ग्लूकोज के एक अणु का अगर विखंडन होता है, टूटता है, तो 38 एटीपी अणु बनता है। जो 38 एटीपी है वह ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में संचित होती है। चौथा, इसमें चौथा जो डिफरेंस है, इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं, यानी इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु विखंडित होता है तो 2 एटीपी अणु प्राप्त होता है। इसमें 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लूकोज के एक अणु का जो अणु जब टूटता है या ऑक्सीकरण होता है, विखंडित होता है, तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें जो ग्लूकोज के अणु, एक अणु जब टूटता है तो 21 से 24 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 21 और 24 के बीच में भी प्राप्त हो सकती है, या कम से कम 21 किलो कैलोरी, अधिक से अधिक 24 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो है वायवी और अवायवी श्वसन में आप लोग अंतर देखे हैं, 5 डिफरेंस आपको अंतर बताया गया है। इसमें से आप लोग 4 भी परीक्षा में लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा जनक नंबर मिल सकता है। इसके आगे जो है अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा।